नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो मैं एक्चुअली फ्लाइट पे था, ट्रैवल कर रहा था, तो अभी मैं इंदौर एयरपोर्ट उतरा। और खैर, रात को मुझे पता तो चल गया था सुबह चलते समय कि रिजल्ट आ गया है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। तो अब होटल में चेक इन कर लिया है, तो आपको बैठ के बना रहा हूँ। तो देखिए भाई, जो हम लोग टेंशन ले रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रात को रिजल्ट आ गया, समय से चल रहे हैं। और अंदर जो भी हुआ है, 813 लोगों ने अपीयर किया था, 750 ने नहीं किया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं अपने आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से बता ही रहा था, कि आप सबको अपना नीट स्कोर कार्ड अब दोबारा डाउनलोड करना है। तो अब यहाँ पर जाएंगे ना, तो आपको अपना, क्योंकि देखिए आपके मार्क्स सेम है, समझिए, आप जो स्टूडेंट थे आपके मार्क्स सेम हैं, लेकिन ये जो बच्चे थे, टोटल 1563, जब इनके नंबर रिवाइज हुए तो कुछ आपके ऊपर चले गए, कुछ आपके नीचे आ गए, तो आपकी रैंक्स चेंज हो गई हैं। जितनी मेरे पास सुबह से फ़ोन आए हैं, या जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, मतलब किसी का भी कोई मेजर चेंज नहीं है, वेरीफाई की मैं, किसी का भी कोई मेजर चेंज नहीं है। मतलब 30 40 50 रैंक ऊपर, 30 40 50 रैंक मैक्सिमम नीचे, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि थोड़ा चेंज हो गया, वरना पहले बड़ा आसान होता था कि एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के आ जाता था। अब या तो ईमेल या तो मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी वो वाला जो आपने नीट फॉर्म भरते हुए यूज़ किया था, तो फिर वो निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, सो बन सके, आई थिंक इट्स द नेक्स्ट स्टेप। केस अभी भी चल रहा है, अगर आप में से कोई ये जानना चाहता है जी केस का क्या हुआ, तो अभी केस का फैसला नहीं हुआ रिजल्ट दोबारा आने से, लेकिन एनटीए ने अपनी तरफ से रिवाइज रिजल्ट दे दिया है। वो जो ग्रेस मार्क का उनको इशू सॉल्व करना था, वो उन्होंने कर दिया है। और अब ये है कि देखिए, कुछ ऐसे खास नया नोटिस तो है नहीं, तो ये लेटेस्ट नोटिस था। अगर मैं उस पर जाऊँ, फाइनल आंसर की आई थी, तो मतलब देर इज नथिंग न्यू फॉर अस टू सी चेक। तो केस का क्या हो रहा है, रीनीट का क्या हो रहा है, वो फिलहाल इससे कुछ नहीं पता चलता। तो इस समय एनटीए अपने प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, रिजल्ट फाइनल रिलीज कर दिया गया है। आई थिंक कल या परसों में एनसीसी अपना ब्रोशर रिलीज कर देगा। तो मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि इंडिया में 24 25 काउंसलिंग्स होती हैं, हर स्टेट अपनी काउंसलिंग करता है, और ये है केंद्र सरकार की काउंसलिंग, जिसके अंदर 51 एमसीसी वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं, भारती विद्यापीठ, डी वाई पाटिल, एम जी एम, कस्तूरबा के तीनों कैंपस, एमएमयू मुलाना वगैरह सब इसी में आते हैं। मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोगों को, और टोटल 51 आती हैं, अमृता फरीदाबाद, अमृता कोची, और बाकी सब स्टेट्स प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो जॉली ग्रांट गुरु राम राय देहरादून में आएगा, एमएमयू साधोपुर, एसजीटी आदेश हरियाणा में आएगा, श्री राममूर्ति सुभारती बरेली यूपी में आएगा, और इस तरीके से। ओके, सो एमजीएम जयपुर वाला राजस्थान के अंदर आता है, और इसी के अंदर एम्स जिपमर की भी सब चीज आती है इस काउंसलिंग में, और ऑल इंडिया कोटा 15% आता है। तो जब आप लोगों को बताता हूँ, हमेशा देखिए ऐसे आएगा, ये लास्ट ईयर के अभी भी कुछ पड़े हुए हैं इसमें, जो आप नोटिस देख सकते हैं, और इसी के हिसाब से ही हम लोग जजमेंट करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस राउंड में कौन सी सीट आपको मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली, क्या संभावना है, क्योंकि सब कुछ तो ट्रांसपेरेंटली कंप्यूटर के द्वारा ही दिया जा रहा है। और इसी का जो लास्ट ईयर का ब्रोशर था, उसी से आपको पता चला था कि लास्ट राउंड भी ऑनलाइन हुआ था। तो अनलेस अंटिल वो ब्रोशर दोबारा आए और कोई रूल चेंज हो, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि खासकर ये देखिए, इस तरह का एडमिशन बुलेटिन भी आता है, उसमें सब रूल लिखे होते हैं कि भाई किस तरह से काउंसलिंग होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, कन्वर्जन रूल क्या होगा, और राउंड बाय राउंड कैसे आगे चलेंगे। ठीक है, इसी को देख कर ही, जो आपने कई बार मेरी वीडियो में सुना होगा, कि ये ब्रोशर दोबारा आएगा कि भाई राउंड टू में लास्ट ईयर क्या हुआ था, वन का रूल क्या था, टू का या क्या था। याद कीजिए, मैंने आप सबको कहा कि लास्ट ईयर मॉप अप राउंड का नाम बदल के राउंड तीन कर दिया गया था, और अपग्रेड अलाउड हो गया था राउंड तीन तक, जिसकी वजह से काफ़ी चेंजेस, काफ़ी प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में चेंज हुआ था काउंसलिंग प्रोसेस के। और फाइनल स्टे राउंड था, वो भी ऑनलाइन ही हुआ था, ध्यान आप ये रखिए। ओके, सो बेस्ट विशेस, और फिर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बहुत जानकारी मिल जाती है, इसी के बेसिस पर ही हम आपको गाइड करते हैं। ओके, सो आप जानते ही हैं, हमसे संपर्क करना चाहें, पेड सर्विसेज लेना चाहें, 9643362320 पे कॉल कीजिए, और टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।